हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। सो इस चैप्टर से मैं आपको 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक EMRS, TGT, PGT, अदर स्टेट TGT, PGT, TET। इन सभी एग्जाम के लिए ये कंटेंट यूजफुल और क्वालिटेटिव रहने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर है, मैंने 11th बायोलॉजी का जितना भी सिलेबस है 22 चैप्टर्स वो आपको सॉल्व करवा दिए। हर एक चैप्टर से मैंने आपको 100 और 150 से भी अबव जो है क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, और उनको कंसेप्ट बेस्ड और मेमोरी बेस्ड दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। सो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स टेस्टिस डिसेंडेंट इन टू स्कोटम इन ब्रीडिंग सीजन बट इन नॉन ब्रीडिंग सीजन गोज अप। ये कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ब्रीडिंग सीजन में ही टेस्टिस जो है स्कोटम के अंदर रहती है, अदरवाइज जो है वो टेस्टिस ओपन रहती है, वो है आपका बैट। अब जो मेरे न्यूली सब्सक्राइबर है, मैं उनको बता दूं, मैं क्वेश्चन टू टाइप के सॉल्व कराता हूं, एक कंसेप्ट बेस्ड, एक मेमोरी बेस्ड। जैसे एक क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट बेस्ड है, तो मैं आपको डिटेल में कंसेप्ट समझाऊंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखते जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होती है। पहले सबसे पहले आपको बताना चाहिए स्क्रोटम क्या होता है। स्क्रोटम मानो एक थैली लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर टेस्टिस होती है। अब टेस्टिस आप सभी को मालूम होगा जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं कि टेस्टिस क्या होते हैं, कि ऐसे ह्यूमन बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं टेस्टिस। ए पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ये ऑर्गन है। ओके, तो जैसे मान लो आपका इधर टेस्टिस, मैं आपको ह्यूमन बॉडी का ऐसे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये इधर आपके काइंड ऑफ पैर मान लो फिलहाल, ठीक है, ये आपका इधर लोअर पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। अब यहाँ जैसे आपका एक पेयर ऑफ टेस्टिस होती है इस तरह से, जो कि स्क्रोटम के अंदर होती है। किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर, यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब मैं थोड़ा आपको कंसेप्ट में बताता हूँ क्यों ये स्क्रोटम के अंदर होती है और क्यों ये आउट ग्रोथ होती है। जैसे अदर ऑर्गन है बॉडी के, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, चाहे हार्ट हो, लंग्स हो, या कोई अदर ऑर्गन हो, बट जो टेस्टिस है ये बॉडी के बाहर है, आउट ग्रोथ है थोड़ी, मतलब समझ रहे हैं आप, बॉडी के बाहर होती है ये ना टेस्टिस। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका स्पर्मियोजेनेसिस है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, उनको बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, बट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम चाहिए होता है। इसीलिए जो ये टेस्टिस है ये बॉडी के बाहर होती है, यानी स्क्रोटम के अंदर बॉडी से बाहर होती है, ताकि उसको थोड़ा टेम्परेचर जो है वो हल्का सा कम मिल जाए, तो थोड़ा बॉडी के अंदर टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए स्क्रोटम में होती है। तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई कि जो बैट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो ये टेस्टिस है, जब इसको रिप्रोडक्शन करनी होती है यानी ब्रीडिंग करनी होती है तो ये स्क्रोटम के अंदर जाता है, जब इसको ब्रीडिंग नहीं करनी होती है तो ये स्क्रोटम के बाहर जाता है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है। तो इस तरह से मैं आपको डिटेल में कंसेप्ट बताता हूँ और जो मेमोरी बेस्ड है जस्ट मैं पढ़ के उसको पास करता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन बाइनरी फ्यूजन द पेरेंट सेल डिवाइड बाई द प्रोसेस ऑफ, सिंपल सी बात है, बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म। जैसे मान लो आपका ये सेल है तो इसका न्यूक्लियस जो है दो में डिवाइड हो गया, पहले सिंगल न्यूक्लियस था, अब दो में पहले डिवाइड हो गया, धीरे धीरे क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड हो जाएगा, फिर ये एक अलग सेल बनाएगा और ये एक अलग सेल बनाएगा। मोस्टली कहाँ होता है? ये अमीबा में होता है बाइनरी फ्यूजन। बर्ड एस्ट्रस मीन्स, एस्ट्रस का मतलब होता है हीट। एस्ट्रस का भी वही कंडीशन है आपका कि जब नॉन प्राइमेट एनिमल्स को, ये आपने ध्यान रखना, नॉन प्राइमेट, जब नॉन प्राइमेट को ब्रीडिंग करनी होती है यानी सेक्स करना होता है, सेक्सुअली अटैच होना होता है अपने क्या बोलते हैं पार्टनर के साथ, तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। किस स्टेज पे? एस्ट्रस स्टेज में, आपने ध्यान रखना नॉन प्राइमेट। प्राइमेट और नॉन प्राइमेट में क्या फ़र्क है? आपका जो प्राइमेट है वो मैमल का ऑर्डर है, मतलब लार्ज ब्रेन होता है, बेल ऑर्गन्स होते हैं लाइक हैंड वगैरह, पैर वगैरह, वो प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, इसके अपोजिशन जो है नॉन प्राइमेट्स आते हैं।
तो यहाँ मैंने बताया हुआ है कि जो रिपोर्टेड साइकिल आपके नॉन प्राइमेट्स की वो चार स्टेज में जाती है आपकी, पहली आपकी प्रोएस्ट्रस, सेकंड आपकी एस्ट्रस, थर्ड आपकी मेटास्ट्रस, फोर्थ आपकी डाइस्ट्रस। फिलहाल एस्ट्रस क्या करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है इस स्टेज में। फ्यूजन ऑफ डिससिमिलर गैमेट इज क्या बोलते हैं, होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेट्स डिससिमिलर होते हैं, पोलन और स्टिग्मा जो है वो अलग अलग साइज के होते हैं। थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है इन तीन ऑप्शन की कि ये चीज़ क्या होती है। एलोगेमी क्या होती है, एलोगेमी क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करता है, मतलब कि जो पोलन ग्रेन है, पहली बात आपकी फर्टिलाइजेशन क्या होती है प्लांट के केस में, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है पोलन ग्रेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल यानी स्टिग्मा, ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे अटैच होता है और फर्टिलाइजेशन शुरू करता है। अगर हम एलोगेमी की बात करते हैं, इसका इस केस में क्या होता है, जो ये पोलन ग्रेन है ये अलग फ्लावर का होता है और अलग प्लांट का होता है, स्टिग्मा अलग फ्लावर और अलग प्लांट के साथ ये अटैच होता है, वो होता है एलोगेमी। डाइकोगेमी में भी आपकी यही कंडीशन है, ये दो प्लांट के बीच होती है। ऑटोगेमी में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी सेम फ्लावर सेम प्लांट के साथ ये फर्टिलाइज करता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको यहाँ डिटेल में बताई हुई है, आप इसको पढ़ लेना। इन हनीबीज मेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, यही चीज़ यहाँ बताई हुई डिटेल में कि जो मेल हनी बी है उसको ड्रोन्स बोलते हैं, और ये कैसे बनता है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, हैप्लॉयड अनफर्टिलाइज एग, हैप्लॉयड होता है एग ऑफ द क्वीन बी, फर्टिलाइज एग्स फ्रॉम द क्वींस एंड फीमेल वर्कर्स, ड्रोन्स आर मीन फॉर मेटिंग विद द क्वीन बी एंड सून डाई आफ्टर मेटिंग के बाद जो है ड्रोन्स मर जाते हैं। बेसेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट एंड क्राइसेंथिमम अकर्स बाई सक्कर, ये आपने ध्यान रखना है, जो मिंट और क्राइसेंथिमम में वो रिप्रोडक्शन होती है बेसेटिव, वो होती है सक्कर के माध्यम में। बेसेटिव रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द आर्टिफिशियल और नेचुरल, मतलब होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बट आर्टिफिशियल और नेचुरल बताया है यहाँ पर, ठीक है। नेचुरल मीन्स क्या है कि ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सक्कर विच इज फाउंड इन द मिंट एज वेल एज बनाना में, इन दिस केस अंडरग्राउंड ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम एंड अपवार्ड जो है वो डेवलप हो जाती है, प्रोट्रूड हो जाती है। वंस ब्रांच गेट्स मैच्योर इट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड सर्वाइव एज एन इंडिविजुअल, ओके, ये आपने ध्यान रखना है। एंडोगेमी इन प्लांट्स इज द टर्म वेयर पोलिनेशन बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाई बल्बिस इन एगावे, ये आपने ध्यान, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं अब। दिस टाइप ऑफ स्टिमुलस इज यूज टू अचीव पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट, तो आपका पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट में किस टाइप का स्टिमुलस चाहिए होता है आपका, ये आपने इधर ध्यान रखना है। ऑल ऑफ द अबव, द फिनोमिना ऑफ फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट परसीव्ड बाई द हर्ट्ज़विग इन द एग ऑफ वर्ड, शेल एंड शेल मेम्ब्रेन्स आर परमिएबल टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने ध्यान रखना है। जो आपके वर्ड के एग होते हैं उनकी जो आउटर शेल होती है वो सिर्फ और सिर्फ परमिएबल होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, यहाँ यहाँ पे बताया हुआ है। रेप्टाइल और बर्ड्स, कुछ एक इंसेक्ट जो कि एग डेवलप होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमेबल होती है वाटर के लिए, रेप्टाइल और बर्ड्स की कैसी होती है, इम्परमेबल होती है वाटर के लिए, बट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से डिफ्यूज हो सकते हैं, यानी एग के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू वो आउट हो जाएगी और जो बाहर से ऑक्सीजन है वो इन हो जाएगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। पार्थेनोजेनेसिस अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, दैट इज द आंट में पार्थेनोजेनेसिस होती है, ये आपने ध्यान रखना है। योक साइटोप्लाज्म के पास क्या होता है, ड्यूटोप्लाज्म होता है योक साइटोप्लाज्म के बाद। ड्यूटोप्लाज्म क्या है आपका, एक न्यूट्रिटिव मटेरियल है, प्रेजेंट होता है इन द एग फॉर डेवलपमेंट एंड नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, नॉन लिविंग पोर्शन ऑफ द एग। ड्यूटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द योक ऑफ एग, समटाइम्स योक एंड ड्यूटोप्लाज्म आर यूज सिनोनिमसली, ये आपने ध्यान रखना है। माइक्रोलेसिथल एग्स आर फाउंड इन यूथेरिया में, माइक्रोलेसिथल एग पाए जाते हैं। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल होता है आपका कुकम्बर में, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस बोथ ओवरीज एंड टेस्टिस, दैट इज द एकाइनोडर्म स्नेल अर्थवर्म के पास, दोनों के पास ओवरीज और टेस्टिस होती है। आइडेंटिफाइंग द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग,
आपका जो यूग्लेना बाइनरी फ्यूजन है ये सही है, ईस्ट बडिंग करता है ये भी सही है, स्पायरोगायरा फ्रेगमेंटेशन करता है ये भी सही है, तो हाइड्रा मल्टीपल फ्यूजन है ये गलत है, हाइड्रा भी आपका फ्रेगमेंटेशन करता है। इन क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी, विच इज़ नॉट ए राइजोम, दैट इज द कोलोकेशिया इज नॉट ए राइजोम, विच वन इज मोनोशियस, पाइनस आपका मोनोशियस है, अदर जो आपके ये प्लांट्स है मार्केशिया जो एक ब्रायोफाइट्स है, साइकस जो आपका एक टेरिडोफाइट्स है ये कैसे है, पपाया कैसे है आपके ये डायोशियस है। टर्म पार्थनोजेनेसिस वॉज इंट्रोड्यूस बाई चार्ल्स पोनेट ने पार्थनोजेनेसिस की टर्म दी है, फर्टिलाइजेशन को एरिस्टोटल ने डिस्कवर किया है फर्स्ट टाइम, डायोशियस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है डेट पाम, इसका मतलब कि कुकंगर मेज और कैस्टर बीन मोनोशियस है। विच इज गाइनेंड्रोमॉर्फ टाइप ऑफ एनिमल, सारे आपको ड्रोसोफिला बीटल्स सिल्क वर्म कैसे है गाइनेंड्रोमॉर्फ है, गाइनेंड्रोमॉर्फ इज ए टाइप ऑफ एनिमल दैट कंटेन बोथ मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपने ध्यान रखना गाइनेंड्रोमॉर्फ क्या होता है, जिसके पास मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, इसको सेक्स मोजैक भी कहते हैं, मेल एंड फीमेल बॉडी पार्ट्स आर फिजिकली डिस्टिंक्ट होती है, एग्जांपल ड्रोसोफिला बटरफ्लाई सिल्क वर्म बटरफ्लाई बीटल्स बीज एक्सेट्रा वगैरह। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस, दैट इज द प्लेटिपस, प्लेटिपस हो गया, बैट हो गया, एलिफेंट हो गया, व्हेल हो गया, ऑल बिलोंग्स टू क्लास मैमलिया ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ये कैसे आपके ओविपेरस है। ऑयस्टर साइकिल इज रिपोर्टेड इन द काउज एंड शिप, मार्शपियल्स कैसे आपके बीबीपेरस है, टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन फाउंड इन जेमिन कंड इज कॉर्न, इन एपोमिक्टिक पार्थिनोजेनेटिक डेवलपमेंट द इंडिविजुअल्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलियर, इन बनाना प्लांट टाइप ऑफ स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज रिस्पेक्टिवली सक्कर एंड राइजोम, टर्शरी एग मेम्ब्रेन इज एल्ब्यूमेन, एग विद पेरिफेरल साइटोप्लाज्म अराउंड द योक इज सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल एग क्या होता है जिसमें योक सेंटर में होता है, टीलोलेसिथल मतलब कि योक जो आपका वो पेरिफेरी में आपका कंसंट्रेटेड होगा आपका, आइसोलेसिथल मतलब कि जहाँ बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइक्रोलेसिथल मतलब जहाँ बहुत ही कम अमाउंट में योक होगा। जिंजर मल्टीप्लाइज वेजिटेटिवली बाई राइजोम्स, स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे इस चैप्टर से। अब हम जो है मैं आपको बता दूँ 15 से 20 दिन में मैं आपको 12th का पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा, फिर जितना भी आपका TGT PGT TET और आपका अदर जहाँ भी आपका बायोलॉजी एक पार्ट रहेगा नीट वगैरह के लिए उन सभी का कंटेंट जो है ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं आपको एक पार्ट वन की प्रिपरेशन कराऊंगा लाइक आपका पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी आपके अदर हिस्ट्री वगैरह वो ऑलरेडी यहाँ पे चैनल पे स्टार्ट हो गया है, RL सर जो है ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, मैं आपको फिर बेसिक साइंस पढ़ाऊंगा फॉरेस्ट गार्ड पटवारी वगैरह के लिए अदर चीज़ के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।